स्टूडेंट्स, आज विशेष प्रयोजन अर्थात विशेष वार्ता के लिए मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूं। और इस प्रकार से क्लासरूम के अंदर और बोर्ड मार्कर के साथ मैं आज आपके सामने इसलिए उपस्थित हुई हूं ताकि जो हमारा विषय है जिस पे हमें चर्चा करनी है उस पे हम डिटेल जो है वार्ता कर सकें, डिटेल उसको समझ सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, आप कहीं पे भी किसी भी पॉइंट से मुझे अगर असहमत होते हैं, कोई भी पॉइंट अगर आपको असहमति देता है, तो आप कमेंट में ज़रूर इस बात को लिखिएगा कि आप किस पॉइंट पे असहमत हुए। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पुस्तकालय अध्यक्ष परीक्षा ग्रेड थर्ड की, जो कि 2018 की वैकेंसी है और जिसकी परीक्षा अभी हाल ही में आप लोगों ने दिया है, उसकी पद वृद्धि मुहिम को लेकर के हम बात कर रहे हैं। तो जो हमारे पद अभी जो है मौजूदा पद हैं वो कितने हैं, मौजूदा पद 700 हैं, जिसमें हम पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पद बढ़ाने की मांग की जा रही है, कितने पदों को बढ़ाने की मांग की जा रही है, 400 पद, ठीक है। यानी कि ये 700 पद ऑलरेडी हमारे पहले से हैं जिन पदों के लिए एग्ज़ाम हो चुका है, और हम गवर्नमेंट के सामने जो है ये अपनी बात रख रहे हैं कि उन पदों में 400 पद और जोड़े जाएं और टोटल 1100 पदों पे जो है इस भर्ती प्रक्रिया को जो है वो पूर्ण की जाए। अब हम इस मुहिम की बात करते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए शब्द लिखा है मुहिम, ठीक है, ये एक तरीके से मुहिम, मूवमेंट, आप जो भी समझ लीजिए, आंदोलन समझ लीजिए, शांतिपूर्वक वार्ता समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, इसके ऊपर जो है कार्य किया गया, और उसके ऊपर कार्य करने वाला कौन है, पुस्तकालय संघ। और इसमें जो है किसी भी तरीके की कोई दुविधा नहीं, अतिशयोक्ति नहीं, और अगर मैं नाम लूँ तो उसमें किसी भी तरीके का कोई गलत बात नहीं होगी। कमल कनवारिया जी के द्वारा जो है पुस्तकालय संघ को क्रियान्वित किया जा रहा है, वो इसके अध्यक्ष हैं और उन्होंने पद वृद्धि की मुहिम को जो है सर्वप्रथम प्रस्तुत किया और उसको आगे लेकर के चल रहे हैं। अब ये जो पुस्तकालय संघ है, पुस्तकालय संघ जो है इस मुहिम को लेकर के, कौन सी मुहिम को, पद वृद्धि मुहिम को, इस मुहिम को लेकर के आगे चला। और इस मुहिम के तहत अलग अलग राजस्थान के अलग अलग जिले में, अलग अलग कस्बे में जितने भी पुस्तकालय विषय के जो लाइब्रेरी सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके सहयोग से, जो भी पदाधिकारीगण हैं इस संघ के, उनके सहयोग से मिल मिला करके बहुत सारे कार्यों को किया गया, जिसमें पद वृद्धि को लेकर के एक ज्ञापन तैयार किया गया। उस ज्ञापन को जो है जिला स्तर पे, खंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे विभिन्न विधायकों को, मंत्रियों को, सरकारी अफसरों को जो है वो देने का प्रयास किया गया, उनको अवेयर किया गया कि ये हमारे साथ क्या हुआ है, और सीटें बढ़ानी जो है वो, पद बढ़ाने की जो मांग है वो स्टूडेंट्स के द्वारा जायज़ है और इसको बढ़ाया जाए। तो होप आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे और मैं कहीं भी इसमें कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। जो तथ्य मेरे सामने आए हैं मैंने बिल्कुल उसको इवेल्युएट करके आज आप लोगों के सामने मैं आई हुई हूँ। तो ये मुहिम जो है ये आगे चला। इस मुहिम के चलते एक तथ्य हमारे सामने आया कि हमें जो है अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखना है, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी के सामने हमें अपनी इस मांग को जो है वो सीधा रखना है। तो मांग को सीधा रखने का जरिया क्या है, क्योंकि सीधा कोई भी व्यक्ति उनके साथ जा करके वार्ता नहीं कर सकता है, ना ही सीधे कोई मीटिंग कर सकता है, डायरेक्टली उनसे मिलना असंभव, असंभव ही था लगभग। तो इस कारण से जो है एक रास्ता निकाला गया। रास्ता क्या था, मैं ये भी यहाँ पे मेंशन करती हूँ, एक रास्ता निकाला गया COVID-19 फंड, ठीक है, ये एक जो है रास्ता निकाला गया। किसके लिए रास्ता निकाला गया, ये मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जो है एक जरिया, एक रास्ता निकाला गया कि अगर हम इस तरीके से फंड को एकत्रित करते हैं तो फंड जो है मुख्यमंत्री को जब देने जाएंगे तो इस बहाने मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी और हमारी बात हम लोग उनके सामने रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें आ गई जो मुझे भी कन्फ्यूज़ करती हैं और आपको भी कन्फ्यूज़
कर सकती हैं, या हो सकता है आप लोगों का दिमाग नहीं गया हो। ये जो मुहिम था पद वृद्धि की मुहिम, जो बातें हुई, विभिन्न ज्ञापन जो गए सभी लोगों के पास गए, हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम पुस्तकालय संघ की बात कर रहे हैं कि इसके द्वारा जो है गया। लेकिन जब हम फंड की बातें कर रहे हैं, ये जो COVID-19 फंड है, इस फंड की जब हम बात कर रहे हैं तो इस फंड को एकत्रित करने के लिए कुछ लोगों ने जो है अपने नाम दिए, और नाम के बाद जो है उन्होंने अपना ही अकाउंट नंबर दिया, ठीक है, उन्होंने अपना ही अकाउंट नंबर दिया और उसी के अंदर इस फंड को इकट्ठा किया। जैसे कि मैंने सोचा मैं भले इस अकाउंट में, यानी कि किसी के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हूं, लेकिन मेरी विचारधारा में यह था कि मैं पैसा जो है वो संघ को दे रही हूं, और मैंने ही वीडियो बना करके कितने लोगों को ये चीज बोला था कि आप संघ को देंगे, संघ जो है वो मुख्यमंत्री जी को देगा, और इस प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं, एक जरिया हो सकता है। मैंने बिल्कुल क्लियर ये बात आप लोगों से कही थी, लेकिन मेरे सामने जो बात आई है, मेरे सामने बात ये आई है कि ये मुहिम तो चल रहा है संघ का, लेकिन ये जो एकत्र किया जा रहा है, ये जो पैसा एकत्र किया जा रहा है वो इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल अर्थात जो एकत्रित कर रहे हैं, ये उनके द्वारा एकत्रित किया जा रहा है इस पे, इसलिए उनका पूरा हक है, वो अपने हिसाब से इसको जो है जिस तरीके से चाहे उस तरीके से खर्च कर सकते हैं, उससे इस संघ का कोई लेना देना नहीं है, जो कि बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है हमने जो पैसे यहाँ पे लगाए हैं उसके ऊपर भी, और प्रश्न चिन्ह लगता है जिन्होंने पैसे लिए हैं उनके ऊपर भी, और प्रश्न चिन्ह लगता है ये जो संघ कार्य कर रहा है उसके ऊपर भी। तीनों के ऊपर ये कॉमन प्रश्न चिन्ह हमने बनाया, हमारे ये कॉमन प्रश्न चिन्ह हैं कि ये पहली बात तो ये कि इंडिविजुअल क्यों लिया गया जब संघ का नाम लिया जा रहा है, जब कार्य जो है संघ के अंतर्गत किया जा रहा है, तो ये इंडिविजुअल किसी के अकाउंट में क्यों लिया गया। चलिए मानते हैं सिचुएशन थी, हो सकता है कि संघ का अकाउंट नंबर नहीं होगा और जरूरत थी, जल्दीबाजी थी, तो उसमें लिया गया, देन लिया गया तो ये पैसा संघ को क्यों नहीं ट्रांसफर किया गया, और तीसरी बात यह है कि संघ इसको अपने अधिकार में क्यों नहीं ले रहा है, और इन लोगों में से किसी ने अपनी जवाबदेही, सबसे बड़ी बात होती है जवाबदेही, इनमें से कोई भी जवाबदेही क्यों नहीं कर पा रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैंने पद वृद्धि से रिलेटेड एक सुझाव दिया था कि हमारे पास जो COVID-19 में फंड एकत्रित हुए हैं, उन फंड का कुछ हिस्सा हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में खर्च करें और लोगों को भी बताएं, साथ में मुख्यमंत्री को बताएं, अन्य मंत्रियों को भी बताएं, और जो लोग इस पुस्तकालय भर्ती या सब्जेक्ट को नहीं जान रहे हैं वो लोग भी इससे अवेयर हो जाएं कि हाँ ये एक विषय है जिसमें इस तरीके से जो है वो पदों की वृद्धि हो सकती है, या इस तरीके से जो पद का जब उसको श्रेणीबद्ध किया जा रहा था तो कैटेगराइजेशन सही नहीं किया गया है, जो बच्चों की मांग है वो जायज है और इसको पूरी की जाए। जिस पर मेरे पास ये विचार आए, चूंकि ये पैसा जो है जिनके पास है उन्होंने मुझे ये अप्रोच किया कि हमने जो है COVID-19 के लिए ये फंड एकत्रित किया है, इस वजह से इस पैसे में से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा सकते हैं। तो अब आप लोग मुझे बताइए, पैसे तो आप लोगों में से भी लोगों ने दिए हैं, आप मुझे बताइए कि आपने जो COVID-19 के लिए फंड दिया है, क्या वो COVID-19 एक्चुअली समझ करके दिया है, या फिर आप लोगों ने इसको अपने पद वृद्धि के साथ जोड़ करके दिया है? क्योंकि जहां तक मैं समझ रहा हूं, अगर मुझे भी COVID-19 फंड में देना होगा, सीएम को पैसा देना होगा, तो मैं तो 100 रुपया भी अगर डोनेट करूंगी ना, तो 100 रुपए की रिसिप्ट गवर्नमेंट मुझे देती है, और जिसके लिए मैं तो सोशल साइट्स पे भी इतने हाईलाइट हो जाऊंगी कि मैंने 100 रुपया दिया, मैंने 100 रुपया दिया, और दुनिया करती है, मैं नहीं करूंगी, दुनिया करती है। आप 10 रुपए भी कहीं डालिए, डोनेट कीजिए, आपको रिसिप्ट मिलता है, रिसिप्ट के बाद आप देखिए आप कितने हक से और कितने अधिकार के साथ बोलते हैं कि आपने दिया है। लेकिन यहाँ पे तो आपने कितने पैसे दिए जिसकी कोई रिसिप्ट नहीं मिली, और उसके बाद आपने COVID-19 में दिया जिसको COVID-19 के लिए नहीं एक्चुअली जमा किया गया था, उसको जमा इसलिए किया गया था कि हम वो एक जरिया बना सकें, एक फंड क्रिएट कर सकें जिससे हम मुख्यमंत्री से मिल सकें। तो अब बात मेरे सामने ये आ रही है कि मुख्यमंत्री जी तो समय नहीं दे रहे हैं, तो हमने चेक रेडी कर लिया है, पूरा चेक हमारा तैयार है, और साथ के कई लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं जो इस बात पे अग्री नहीं कर रहे हैं कि हम इन पैसों से पुस्तकालय पद में जो है वो वृद्धि के लिए कहीं और ये पैसा उठाएं।
तो आज मैं आप लोगों के सामने इसीलिए आई हूं कि ये जो चीज है ये बिल्कुल क्लियर की जाए, क्लियर इस सेंस में भी की जाए कि जो लोग चाहते हैं पद, क्योंकि देखो पैसा जो इकट्ठा हुआ है, पैसा इकट्ठा होने का जो मेन मोटिव है वो पद वृद्धि के लिए ही हर कोई सोच रहा था, पद वृद्धि का सोच के ही पैसे को दिया गया है, पैसे को एकत्रित किया गया है। तो ये बीच में ये जो खिचड़ी पक रही है, ये खिचड़ी क्या है, क्या इस खिचड़ी की आवश्यकता है? जिन्होंने एकत्रित किया वो क्यों अलग हो रहे हैं? संघ के लोग इसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर क्यों नहीं ले रहे हैं? पिसा तो वो ना जिसने पैसे दिए हैं, और जिन्होंने इकट्ठा किया वो चेक बना करके किसी को भी देना चाहते हैं, अपना नाम कमाना चाहते हैं कि हमने दिया। क्यों? नाम तो पैसे इकट्ठे तो संघ के नाम पे किए गए, और इंडिविजुअल आप अपने हिसाब से चेक बना के दे रहे हो। मुख्यमंत्री समय नहीं दे रहा है, और वो कल ही मेरी बात हुई है, वो लोग कह रहे हैं कि हम शिक्षा मंत्री क्यों दे देते हैं, शिक्षा मंत्री को आप मुझे बताओ, शिक्षा मंत्री को क्यों दोगे मेरे को आप बताइए, एक जेन्युइन सा रीजन बताइए कि शिक्षा मंत्री को आप क्यों देंगे। यहाँ शिक्षा मंत्री कहाँ से बीच में आए? शिक्षा मंत्री, हमने तो जो फंड एकत्रित किया था, हम तो मुख्यमंत्री से मिलने की बात कर रहे थे, ठीक है, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जो है हमने ये फंड एकत्रित किया। तो जब मुख्यमंत्री हमें नहीं मिल रहे तो क्या हम वेट नहीं कर सकते, जब मिले तब हम उनको दें? क्या हम ये नहीं कर सकते हैं? और एकत्रित हो गया है और पद वृद्धि के लिए एकत्रित किया है, तो क्या हम इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं? क्या हम उस पैसे में से कुछ पैसा जो है वो पद वृद्धि के नाम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं खर्चा कर सकते हैं? तो आप लोग जिन्होंने पैसे दिए हैं, जिन्होंने नहीं दिए हैं, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, जो लोग भी मुझे जान रहे हैं, कृपया अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें कि मैं सही हूं, मैंने जितने भी तथ्य यहाँ पे आप लोगों को डाले हैं क्या इनमें कहीं कोई त्रुटि है, कहीं कोई गलती मेरी तरफ से हो रही है, कृपया मुझे क्लियर कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात हो गई है। हम जो है वो संघ को सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन संघ में कार्य करने वाले लोग अपने आप को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। आपका ये जो पद वृद्धि का मुहिम है, कहीं ना कहीं मुझे क्षेत्रवाद में, जातिवाद में फंसता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कतई अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो संघ के अध्यक्ष इसका संज्ञान लें, और जो लोग जो है इस पैसे को इकट्ठा करके रखे हैं वो संघ के मेंबर हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि उनका नाम इसलिए हुआ है क्योंकि संघ के लेटर हेड पे उनका नाम और डेजिग्नेशन चल रहा है। तो वो इंडिविजुअल बार बार इस तथ्य को ना लें कि इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल सोच करके मैंने भी पैसा नहीं दिया था, मैंने संघ को पैसा दिया है, इंडिविजुअल अकाउंट में जरूर दिया है, लेकिन उस समय अगर क्लियर किया गया रहता कि ये किसी के पर्सनल इकट्ठा किए जा रहे पैसे हैं तो मैं कतई नहीं देती, क्योंकि किसी पर्सनल से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो मैं कतई नहीं देती, लेकिन संघ को मैंने दिया है और संघ को आप भी दिया है, तो ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ये प्रश्न हम लोग पूछते हैं, और संघ के अध्यक्ष, संघ के उपाध्यक्ष इसके लिए आंसरेबल हैं, वो पब्लिकली आ करके इसको जैसा भी है वो अपने जो भी डिसीजन है उसको अनाउंस करें, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ठीक है, ताकि किसी भी तरीके से किसी स्टूडेंट का जो है ना तो फेथ खराब हो, उसका विश्वास खराब नहीं होना चाहिए। मैं खुद इस बात को मानती हूँ कि मैंने जब इस फंड में पैसे डाले हैं तो मेरे ऊपर विश्वास करके मेरे पीछे बहुत सारे लोगों ने पैसे डाले होंगे, या मेरा नाम लेकर के बहुत सारे लोगों से पैसे लिए गए होंगे, मुझे पता है मैंने पैसे दिए हैं, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों से पैसे लिए भी गए हैं और बहुत सारे लोगों ने मेरे विश्वास को देखते हुए अपना विश्वास प्रस्तुत किया है। तो इस तरीके का विश्वासघात कतई पसंद नहीं है मुझे, और ना ही मैं चाहूंगी कि आगे स्टूडेंट्स, ऑलरेडी जो स्टूडेंट बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, रोजी रोटी का साधन नहीं है, और उन्होंने अगर 50 रुपया भी डोनेट किया है तो वो डोनेशन किसी ऐसी जगह पे जाए जहां उसकी कोई वैल्यू नहीं हो। मुख्यमंत्री को कोरा, अगर हम शिक्षा मंत्री को केवल कोविड फंड के लिए इस पैसे को डाल के दे देते हैं तो उस पैसे की वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो 2 लाख रुपए का कुछ यूज कर लेंगे, लेकिन जिन्होंने डोनेट किया है, जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, महत्व तो खत्म हो जाएगा। तो इन सबको देखते हुए उसके सही वैल्यू को निकाला जाए, या तो आप मुख्यमंत्री से मिलकर के वो दें, और नहीं तो आप इस तरीके का काम करें, उस पैसे को वहां पे लगाएं जहां पद वृद्धि के लिए जो क्रियाकलाप सुटेबल हो। तो होप आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, और वीडियो को
को देखने के बाद आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और मैं वेट करूंगी। मैं बिल्कुल चाहूंगी, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, मैंने आपसे सुझाव मांगे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले वीडियो पे एक सिंगल कॉमेंट भी किसी बच्चे का नहीं आया था जो मना कर दे कि नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पैसे इकट्ठे करने वाले लोग मुझे ये कह रहे हैं कि कई लोग मना कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो कई लोग कौन है जो मना कर रहे हैं, जो नहीं चाहते कि पद वृद्धि हो। पैसे दे करके भी जो लोग नहीं चाहते हैं कि पद वृद्धि हो, तो कृपया आप कमेंट जरूर करें। मैं वेट करूंगी। थैंक यू सो मच।